ये है जी ड्रेस का नेक, आपके सामने है। ये पूरा ड्रेस है, यानी ये कंप्लीट प्लेन ड्रेस है, और ये सिल्क फैब्रिक है। इसके जो ये बाजू हैं आपके सामने, ये भी सिंपल है, प्लेन है। ये कंप्लीट ड्रेस, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये बिल्कुल सादा ड्रेस है। और ये है सिल्क फैब्रिक, ये है डार्क ग्रीन कलर। तो ये आपके सामने इसका ओवरऑल लुक है। इसके साथ ट्राउज़र मैं दिखाती हूँ आपको, ये इसका ट्राउज़र है, ये इस स्टाइल में स्टिच हुआ हुआ है। ये यहाँ पर इसकी जो है, ये आपके सामने चौड़े पायचे मुड़े हुए हैं, और ये क्रीस में अभी सेटिंग हुई हुई है इसकी, यानी इसको प्रेस किया हुआ है। इस पर भी बेल्ट बनी हुई है, ये बेल्ट आप देख सकते हो, ये है टेलर स्टाइल बेल्ट, जो कि आराम से घर में बन जाती है। कभी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी बना के। तो ये है इसका ट्राउज़र, आप ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आप प्लेन ड्रेस किस तरह से बनाओ। इसके साथ मैं वेयर कर रही हूँ ये स्किन कलर का दुपट्टा, इसके साथ वैसे दूसरा दुपट्टा है, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि ये ऑफिशियल इफ्तार है, तो इसके लिहाज से यानी कहीं आप इस तरह से जाओ तो इस तरह के ड्रेसेस पहनने जाते हैं, तो ये आप ऑफिशियली कहीं पर भी पहन सकते हो। तो ये मैंने इसको ऑफिशियल रखने के लिए इसको प्लेन दुपट्टा लिया है। इसके साथ कंट्रास्ट में सिल्क पे दुपट्टा, सॉरी सिल्क नहीं है, ये शिफॉन का दुपट्टा है, और ये जो है कपड़ा ये शिफॉन है, और कलर इसका स्किन है, शायद आपको वीडियो में पता नहीं क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा। और ये स्किन कलर का सिल्क का फैब्रिक है इसका हिजाब का, जो इसके साथ मैं वेयर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह इसको वेयर करने के बाद भी मैं आपको लुक दिखाती हूँ अपनी। तो ये है आज की ड्रेसिंग आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, होपफुली यू ऑल आर परफेक्टली ऑल राइट डूइंग वेल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज जी हम जा रहे हैं जिमखाना। आपको मैं स्टार्ट में ड्रेसिंग दिखा चुकी हूँ कि क्या मैं ड्रेस वेयर कर रही हूँ आज के लिए। तो आपके सामने इसकी ड्रेसिंग है, इससे आप आइडिया ले सकते हो, और इस टाइप का कोई भी ड्रेस आप ईद के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और अगर आप ऑफिशियली कहीं पर इनवाइटेड हो तो भी वहाँ वेयर कर सकते हो आराम से। तो आप ये देख लीजिए कितना अच्छा वेदर हो रहा है कराची का। तो कराची में बहुत ज़्यादा कोई गर्मी नहीं है, मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। तो हम जी हैं कराची जिमखाना में, आपके सामने यहाँ का वेदर है, यहाँ का इन्वायरमेंट है। तो जो लोग कराची रहते हैं उन्हें तो पता होगा किस जगह पर है, तो यहाँ पर आप जा सकते हो आराम से इफ्तार डिनर के लिए। हम यहाँ वेट कर रहे हैं इफ्तार का, तो जैसे ही इंशाल्लाह टाइम होगा तो फिर हम करेंगे इफ्तार। तो यहाँ पर हम सब बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लग रहा था, वीडियो बहुत अच्छी बन रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा अभी ही बना लेती हूँ। यहाँ जी हो रही हैं ऑफिशियल बातें, तो इसलिए मुझे करना पड़ा है वॉइस ओवर। तो जी मैंने इसीलिए वॉइस को बंद करके बैक पर अपनी वॉइस लगाई है, ताकि आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकें और ऑफिशियल बातों को करें इग्नोर। तो जी अभी हम लोग वेट कर रहे हैं इफ्तार का, तो बस जी इफ्तार हो जाएगी इंशाल्लाह, और टाइम होने लगा है बस इफ्तार का। तो हम करेंगे यहाँ इफ्तार, उसके बाद है डिनर। बूफे सिस्टम है यहाँ पे, सर्विंग तो है नहीं, तो आपने जाके अपनी सेल्फ सर्विस खुद करनी होती है, तो आप जाके आराम से जो आपने खाना है वो आप ले सकते हो। और यहाँ के खाने बहुत मज़े के हैं, इसका मैं आपको दिखाऊँगी भी क्या क्या यहाँ पर सर्विंग हो रही है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। बूफे सिस्टम है, आपने ख़ुद सेल्फ सर्विस करनी है, तो यहाँ हम जाके सामान लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ जी मैं खा रही हूँ आपके सामने। तो ये हो रही है इफ्तार, खाना बहुत मज़े का था। अगर आप लोग जा सकते हो तो आराम से जाके आप जिमखाना को एंजॉय कर सकते हो, बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट है, तो आप जाके एंजॉय करोगे। तो जी हो गई है इफ्तार, और हम लोग जा रहे हैं नमाज के लिए फॉर मगरिब। तो ये है इसका नमाज एरिया, तो आप यहाँ पर आराम से जेंट्स हो या फीमेल स्टाफ हो या कोई भी हो, तो कोई भी जाके आराम से यहाँ पर कर सकता है एब्लूशन दैन नमाज। तो यहाँ पर जी इन्वायरमेंट बहुत खूबसूरत है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे पिक्चर्स बाय द वे बहुत मज़े के आने वाली हैं, अगर मैं यहाँ पिक्चर्स लूँ तो बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे पिक्चर्स नहीं बना रही हूँ। नेक्स्ट कोई जगह मिलती है तो मैं वहाँ पे पिक्चर्स बना लूँगी फॉर थंबनेल। ये जी है डिनर, डिनर में उनके साथ है यहाँ पे, ये मीठा सर्व हो रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ बाकायदा मोबाइल में, तो मुझे नीचे का बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, जो भी दिख रहा है वो सिर्फ मोबाइल में दिख रहा है, तो इसको कीजिए इग्नोर। तो जी ये है मीठा,
यहाँ पे हर तरह की डिशेस अवेलेबल थी, काफ़ी सारी डिशेस थी, क्योंकि आप जानते हो ज़्यादातर बूफे जब होता है तो आप यूजुअली जो आपने लेना हो वो ही आप टेस्ट करोगे। तो यहाँ मैंने ले लिया था टिक्का, उसके बाद मैंने इसको इंजॉय किया और फिर सब यहाँ पे साथ खा रहे हैं खाना। शाम के टाइम वैसे ज़्यादा अच्छा था, जब इफ्तार से पहले का टाइम था ना उस टाइम वीडियो इतनी अच्छी बन रही थी और इतना अच्छा अच्छा रोशन रोशन लग रहा था, क्योंकि ओपन एयर था सब कुछ, तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा था। यहाँ पर लाइटिंग में थोड़ा सा डल डल हो रहा है, लेकिन शाम के टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो जी हम लोग जा रहे हैं फो प्ले एरिया। यहाँ पर अगर आपके साथ बच्चे हो तो आप यहाँ पर आराम से छोड़ सकते हो, यहाँ पर बच्चे एंजॉय करते रहेंगे और आप अपना एंजॉय करते रहें। हाँ जी, ये हैं सारे मेरे कलीग्स और इन लोगों को देख लीजिए आराम से सुकून से। अभी ये लोग वीडियो देखेंगे तो ये लोग कह रहे थे कि हमारी वीडियो नहीं लगाना, लेकिन मैंने फिर भी लगा दिए। तो अभी हम यहाँ पे बच्चों का के लिए हैं वैसे तो, लेकिन हम लोग यहाँ बैठ गए थे। रात होने लगी थी तो अभी यहाँ पर इस टाइम इस तरह का कुछ इन्वायरमेंट लग रहा है। ये आप सामने लाइटिंग देख रहे हो, तो सब सुकून से बैठे हुए बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे कुछ पिक्चर्स और वीडियोस के लिए और साथ ही बातें करने के लिए। ये है यहाँ का डिनर, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे डिनर में सर्व हुई हुई हैं, जो आपने खाना है वो आप ले सकते हो। तो जी इस चाय सबसे स्पेशल चाय पीना तो मस्ट है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इफ्तार के फौरन बाद चाय ही मंगवा ली थी, क्योंकि चाय के बग़ैर तो फौरन इफ्तार के बाद जब तक चाय ना पियो तो गुजारा नहीं होता। तो जी ये हैं मेरे ऑफिस कलीग्स और यहाँ पे बॉसेस बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर यहाँ पे बातें नहीं की व्लॉग में। तो मैंने सोचा कि मैं बाद में आराम से उसमें वॉइस ओवर कर लूँगी, मैंने सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड की हैं। तो यहाँ जी हम लोग जा रहे हैं इसके ग्राउंड के साइड पे, जो कि है क्रिकेट के लिए भी आप देख सकते हो इसको, यहाँ पर आप वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। तो ये है इसका रास्ता, क्योंकि स्विमिंग पूल के साइड पर हम जा नहीं सके थे वहाँ पर, क्योंकि स्विमिंग चल रही थी तो उस टाइम अच्छा नहीं लगता वहाँ पर जाके वीडियो बनाना, तो वीडियो नहीं बनाई थी वहाँ पे, पिक्चर्स नहीं ली थी, स्विमिंग क्योंकि चल रही थी। तो इसलिए हम लोग फिर प्ले एरिया साइड पर, प्ले ग्राउंड साइड पर ही चले गए थे। तो यहाँ से है इसका प्ले ग्राउंड का एरिए का रास्ता। तो हवा बहुत कमाल की चल रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी चाय चल रही है। आप ये देखें चाय कितनी ज़्यादा इंजॉय की जा रही है, मतलब सब कुछ छोड़ के सिर्फ चाय इंजॉय की जा रही है। ये जी प्ले एरिया, ये इसका प्ले ग्राउंड है। यहाँ पे आपको सामने पीसी नज़र आ रहा है, यहाँ वॉकिंग ट्रैक है, अगर आप वॉक करना चाहें तो वॉक कर सकते हो। अगर आप कराची रहते हैं और आपके फैमिली में से किसी की मेंबरशिप है कराची जिमखाना की, तो आपको लाजमी जाना चाहिए फॉर इफ्तार डिनर, क्योंकि बहुत अच्छा आपको लगेगा वहाँ जाने के बाद।
क्योंकि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, सुकून से आप बैठेंगे, इफ्तार करेंगे और आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा रश वाला कोई सीन नहीं है, जिस तरह से दूसरी जगहों पर बहुत ज़्यादा रश आजकल चल रहा है, तो ऐसा कुछ रश का सीन नहीं है। यहाँ पर हम लोग सब कर रहे हैं गपशप। अब ले लूँ। तो जी लेट्स गो होम। मैंने वीडियो के दौरान ही पिक्चर ले लिया। आ जाओ जल्दी से आओ, मैं यहीं से वीडियो में से ही ले रही हूँ तुम लोग के पिक्चर्स। माज भी पीछे से आए थे। आ जाओ। Thank you.